ये चेक करें जी, माशाल्लाह जी इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। ये चेक करें जी, अभी तो ये हैंड के ऊपर भी आने लग पड़े हैं। ये चेक करें यार, दूसरे को भी पकड़ो, बाहर ले आओ दोनों को यार। ये चेक करें जी, ले आओ दूसरे को भी, ऐसे हैंड के ऊपर रखो यार। ये चेक करें जी, ये चेक करें, बहुत ही यार क्यूट है यार। सागर अंडे मिल गए हैं यार, ये चेक करो यार, ये चेक करो, कबूतर के अंडे मिल गए। तो टूटा हुआ है। ओए यार, यार अंडा कैसे टूट गया? ओए यार गाइस, एक अंडा जो है ना टूटा हुआ है। हमारे जो कबूतर है ना, वो काफी दिन से कुड़क काड़े थे, लेकिन दोस्तों उनके जो है ना वो अंडे नहीं दे रहे थे। शायद जो हमारी कबूतरी है ना वो अंडों से बंद थी, लेकिन आज जो है ना हमको दो अंडे मिले हैं किसी से। मोहल्ले में एक भाई था जिनसे हमको ये दो अंडे मिल चुके हैं। ये चेक करें, बहुत ही प्यारे और क्यूट अंडे हैं जो कि हम अपने कबूतरों के नीचे रखेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना ये 21 दिन के बाद बच्चे भी निकालेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत अंडे हैं। लेकिन यार सागर ने मुझे बताया एक टूट गया, मुझे नहीं पता था कि ये टूटा हुआ। ये चेक करें यार, ये तो यार बहुत ही माड़ा काम होगा यार। सागर जल्दी से यार केज को ओपन करो यार, पिजन को बाहर निकालो यार, नीचे अंडे रख के चेक करते हैं यार, बैठते हैं अंडों के ऊपर के नहीं यार। ये चेक करो, अभी भी कबूतरी बैठी हुई है यार, रहने दो रहने दो रहने दो, बैठी हुई। ये चेक करो यार, अभी भी बैठी हुई है, कुड़क किया हुआ है इसने। तो ये जो अंडे है ना ये इसके नीचे रखते हैं, चेक करते हैं नीचे लेती है अंडे के नहीं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह जी, ये चेक करें जी, ये अंडे मैंने नीचे रख दिए हैं। अभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो है ना हम चेक करेंगे ये बैठती है कि नहीं बैठती। यार केज बंद कर दो यार, यार ये चेक करें, सागर भाई जो है ना केज बंद कर रहे हैं। दोस्तों ये चेक करें, चारा वगैरह मैं अपने जानवरों के लिए लेके आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खड़िए से होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज दोस्तों हमने दो कबूतरों के अंडे लेके आए हैं जो कि हमने अपने कबूतरों के नीचे रखे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों वो बच्चे भी निकालेंगे और आपको बच्चे भी दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी सब मुर्गियों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद दोस्तों जो हमारे हैंड टेम पिजन है उनको फीड वगैरह करवाते हैं। यार सागर जल्दी से ओपन करो यार ये वाला केज, यार चेक करो अंडा वगैरह तो नहीं किसी ने दिया यार, रहने दो रहने दो। ये चेक करो, ये भी खोलो यार, यार अंडा वगैरह तो नहीं, वो चेक करो यार, अंडा निकालो अंडा यार। ये यहाँ पर गंदम के दाने हैं, ये खा रही हैं, खाने दो यार। अंडा निकालो यार जल्दी से, अगर जल्दी से अंडा बाहर निकालो यार। ये चेक करें जी, अंडा मिल गया हमें यार, ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, एक अंडा जो है ना हमको मुर्गी का मिल गया। ये हम अपने कबूतरों के नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है साइज में, ये हम अपनी मुर्गी के नीचे रखेंगे जो कि एक मुर्गी ने हमारी ने कुड़क किया हुआ है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पर बैठी हुई है, और उसको हम कल जो है ना इंशाल्लाह अंडों के ऊपर बिठा देंगे। अभी दोस्तों हमने इनको बाहर निकाल दिया, ये अंडा यार जल्दी से अंदर रख के आओ, ये लो यार जल्दी से अंदर रख के आओ। टोकरी में अंडे वगैरह जो है ना हमने जमा किए हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। यार सागर दरवाज़ा ओपन करो यार जल्दी से, ये चेक करें जी, ये जो टोकरी है ना इसके अंदर अंडा पड़ा हुआ है। ये चेक करें जी, कितने ज़्यादा अंडे हो चुके हैं। ये इंशाल्लाह दोस्तों हम जो है ना कल अपनी मुर्गी को कुड़क कटवाएंगे और उसके नीचे रखेंगे। यार सागर अभी जो है ना हम अपने डागी को यार खाना डाल लें सबसे पहले। यार सागर ये चेक करो यार, ये डागी को खाना डालो, और मुर्गियों को यार पास नहीं जाने देना यार, क्योंकि ये जो हमारा डागी है ना ये मुर्गियों को पड़ जाता है। ये चेक करें यार, मुर्गियाँ पास जा रही हैं यार। ये चकड़ो, ये चकड़ो यार, ये जो है ना इसको खाना खा लेने देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम वो वाली मुर्गियों को और अपने रैबिट केज को भी ओपन करेंगे, और उनके आगे चारा वगैरह डालेंगे और गंदम के दाने वगैरह डालेंगे। अभी फिलहाल जो है ना हमने अपनी थोड़ी सी मुर्गियों को बाहर निकाला। ये चकड़ो यार, डागी ने यार पड़ जाने पड़ जाने। ओए यार साइड पर हो जाए यार, ये चकड़ो हमारे डाकू के काम, ये जो है ना झाड़ है हमारे डागी के पास। ये चकड़े जी, हमारी गोट भी बहुत प्यारी है, इसका यार बच्चा बाहर निकालो, शेड को बाहर निकालो यार, बाद में निकालते हैं, अभी रहने दो, अभी रहने दो, बाद में निकालते हैं, इसको खाना खा लेने दो। ये चकड़े डागी ने खाना खा लिया, शेरू को यार निकालो यार, इसको दूध पिलाओ सुबह से यार। ये जो है ना टोकरे के नीचे है, ये चकड़े इसकी अम्मा भी उठ गई है, ये दूध पीने लगे अभी। ये चकड़े जी, ये दूध पी रहा है यार, मुर्गियों को बाहर निकालो जल्दी से। अंडा वगैरह भी यार चेक करना, ये अंडे जो है ना खा भी जाती हैं कभी कभी। ये चकड़े जी, अंडा वगैरह तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुर्गियाँ जो है ना हमारी सारी बाहर आ चुकी हैं यार। मलंगी वाला भी केज ओपन करो यार, रैबिट को भी बाहर निकालो और मलंगी को भी यार। यहाँ पर जो दोनों है ना ये बंद होते हैं। ये चेक करें जी, हमारे रैबिट भी जो है ना आ गई हैं यार। स्टाला जो है ना, स्टाला कहाँ पर है? ये चेक करो जी, ये स्टाला है, ये निकालो यार, थोड़ा सा यार रैबिट को डालना है, थोड़ा और काम करो, इतना सा ही बहुत है, इतना सा बहुत है, क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना खिलार देती हैं, इसलिए दोस्तों हम इतना सा ही जो है ना अपने रैबिट के आगे चारा डालेंगे। यार जल्दी से रैबिट के आगे डालो ना यार चारा।
ये जैकड़े जी डेबिट के आगे हमने चारा डाल दिया डेबिट, हमारे बहुत ही खुशी से ये चारा खा रहे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों हम किसी दिन जो है ना इसको गाजड़े ला के खिलाएंगे, चेक करेंगे ये खाते हैं कि ऐसे ही जो है ना लोगों ने कहा हुआ है। खरगोश जो है बहुत शौक से गाजड़े खाते हैं, हम चेक करेंगे ये भी ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने इनको गाजर डाली थी, ये तो गाजर से बहुत ज्यादा डर रहे थे, पता नहीं क्या वजह थी। तो अभी दोस्तों हमारे पास तीन हो चुके हैं, अभी चेक करेंगे ये खाते हैं गाजरे के नहीं खाते, इंशाल्लाह किसी दिन हम गाजरे भी लेके आएंगे। ये चेक करो यार शेरू कोई काम, यार इसको ना खिला दो यार चारा इसको, ये चेक करें माशाल्लाह जी हमारा जो शेरू है ना ये चारा भी खाने लग पड़ा है। दोस्तों अभी ना हम अपनी सब मुर्गियों को ना इकट्ठा करके ना इनके आगे गंदम के दाने डालते हैं। यार कबूतर कैसे बाहर आ गए हैं, के जो पन रहने दिया था यार वो बाहर आ गए हैं, यार अंडों के ऊपर वो कैसे बैठेंगे, यार हमारे जो पिजन है ना वो ऊपर उड़ रहे हैं, कहाँ पड़ गए हैं, कहाँ पड़े हैं अभी, वो चेक करो वो हैं, वो जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना हम फिलहाल अपनी मुर्गियों को दाने वगैरह डालते हैं। यार गंदम के दाने कहाँ पड़े हैं, नहीं है यहाँ पर, यार ये जो परोला ना इससे निकालो, ये टप ही निकाल लो यार, ये चक्करें बहुत ही ज़्यादा भूखियाँ हमारी मुर्गियाँ, निकालो निकालो यार ये चक्करें जी, सागर गंदम के दाने निकाल रहा है। चलो चलो बस करो, बहुत हैं यार मुर्गियाँ आ चुकी हैं, आ जाओ बाहर आ जाती हैं खुद ही आ जाती हैं, आ गई हैं यार। सागर डालो इनको खाना, यहाँ पर डाल दो ये चक्करें जी, डाल दो यार जल्दी से, ये चेक करें जी माशाल्लाह जी यहाँ पर ये खा रही हैं। चलो बहुत हैं इतने से, वो चेक करो यार शेरू के काम, जो यार चारपाई के ऊपर जाके यार पेशाब कर रहा है, यार ये चेक करें इसने चारपाई जो है ना गीली कर दी है, इसको जो है ना बंद ही करना पड़ेगा यार, इसको टोकरा उठाओ यार, इसको बंद करो यार यहाँ पर। चलो तुम्हारा यही गार्ड है यार, जब भी मैं इसको बाहर निकालता हूँ ना ये ऐसा ही करता है, कभी जो है ना चारपाई के ऊपर जाके ना पेशाब कर देता है, और कभी जो है ना भैंस की या हमारी बकरियों की जो खुली है ना उसके अंदर जाके ये पेशाब कर देता है। दोस्तों काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, दोस्तों ये जो सामने आपको दिखाने नज़र आ रही है ना ये हम प्लास्टर वगैरह करवा रहे थे, अभी दोस्तों फिलहाल जो प्लास्टर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, आज से इंशाल्लाह दोस्तों डेली व्लॉग आए करेगा। आप लोगों ने सिर्फ सपोर्ट करनी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग लाता रहूँगा। अभी दोस्तों हम जो है ना अपने हैंड टेम पिजन को बाहर निकालते हैं, उनको हैंड फीड करवाते हैं, यार निकालो वो भी जो है ना चूँक रहे हैं साइड पे, हो ये चेक करें जी माशाल्लाह जी इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है, ये चेक करें जी अभी तो ये हैंड के ऊपर भी आने लग पड़े हैं, ये चेक करें यार दूसरे को भी पकड़ो बाहर ले आओ दोनों को यार, ये चेक करें जी ले आओ दूसरे को भी, ऐसे हैंड के ऊपर रखो यार, ये चेक करें जी, ये चेक करें बहुत ही यार क्यूट है, यार ये चेक करें जी, अभी दोस्तों हम इनको हैंड फीड करवाते हैं, यार पकड़ो इसको भी पकड़ो यार, वो चेक करें मलंगी को मार रहा है हमारा बड़ा मुर्गा, यार जो गब्बड़ है ना हमारे मलंगी को मार रहा है यार, ये चेक करें सागर ने दोनों बच्चे पकड़ लिए हैं। अभी दोस्तों हम इनको ना अंदर ही हैंड फीड करवाते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ बाहर हमें तंग करेंगी, ले आओ यार अंदर ही ले आओ अंदर ही, ये चेक करें जी यहाँ पर रखो इसको, रखो यहाँ पर दोनों को रख दो, ये चेक करना दोस्तों मेरे पीछे कैसे आते हैं, ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें जी, अभी दोस्तों हम इनको हैंड फीड करवाते हैं, ये चेक करें जी यहाँ पर ये बेसन वाला पानी पड़ा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों चने पड़े हुए हैं, ये हम इनको हैंड फीड करवा लेते हैं यार, ये जो चने हैं ये यार डाल देते हैं, ये चेक करें जी, ये चेक करना यार हम इसको खिला देते हैं, ये चेक करें जी ये खा रहा है, ये चेक करो ये खा रहा है यार, खुद ब खुद ही ये खा लेता है यार, दोनों को जो है ना हम हैंड फीड करवाते हैं और इंशाल्लाह दोस्तों ये हमारी बाइक के साथ भी उड़ेंगे यार, तुम साइड से हो ना, इसको डालते हैं यार, एक एक को डालते हैं यार, ये ओए यार छोड़ दो एक मिनट, तो यार सब्र करो, तुम्हें भी डालता हूँ यार, यार ये चकड़े ये टीका भर लेते हैं, ये चकड़े एक हमने जो है ना भर लिया, ये अभी डालते हैं जी अपने प्यारे प्यारे से ब्लैकी और वाइटी को, ये चेक करो यार, तुम्हें भी डालता हूँ सबर करो, ओ यार चलो तुमको पहले डाल देता हूँ, ये चेक करो यार,
ये चेक करो, इसको एक मैंने टीका भी ला दिया, अभी इसकी जो पोटा है ना ये भी ला हो गया, इसको भी मैं डाल देता हूँ। यार ये चेक करो, दूसरे को भी डाल दिया, इसको डाला है अभी, ये वाइटी को अब डाल दिया, ब्लैकी को डाल दिया, ब्लैकी को। यार सब्र करो, तुम्हें डाला हुआ है यार, ये चेक करो, बहुत ज्यादा यार ये तंग कर रहे हैं। लाओ यार इनको आप बंद कर देते हैं, चलो आ जाओ यार इनको, यार हम जो है ना अभी बंद कर देते हैं यार। ये जो दोनों है ना हम इनको बंद कर देते हैं इनके केज के अंदर, आ जाओ यार। ये चक्कर इनको अभी पहले हम यहाँ पाड़ी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।